हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी 5 ऐसी आदतों के बारे में जो आपकी जिंदगी को बना भी सकती है और वही आदतें आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। आप सभी को पता है कि आदतें मकड़ी के जाले की तरह होती है। यदि कोई चीज उसके अंदर फंस जाए तो उसका निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। जीवन में हमेशा याद रखिए कि चाहे आपके अंदर कितनी भी अच्छी आदतें हो, लेकिन आपकी एक बुरी आदत आपकी सारी की सारी अच्छी आदतों पर पानी फेर सकती है। ये वीडियो आपको इसलिए देखना है ताकि आप यह बात जान पाए कि वह आदतें आपके अंदर है या फिर नहीं है। तो चलिए जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में जो आपके अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदत जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और वो है काम को टालने की आदत। हमारी आदत होती है कि हम आज के काम को भी कल पर टालते रहते हैं। आप अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से पूछो कि दिन में कितनी बार आप अपने काम को टालते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि बस अभी इस काम को कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन आप उस समय उस काम को टाल देते हैं और बाद में आप खुद पर ही गुस्सा करते हैं कि आपसे वह काम क्यों नहीं हुआ। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो या तो उसे बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर आगे की ओर टालते जाते हैं, जबकि एक सफल व्यक्ति की आदत यह बिल्कुल भी नहीं होती। एक सफल व्यक्ति जब भी कोई काम शुरू करता है तो वह समय से पहले ही उस काम को खत्म कर लेता है और कभी भी अपने कामों को नहीं टालता। इसलिए आज के बाद आप भी अपने काम को टालना बंद करें और अपने प्रायोरिटी की एक लिस्ट बनाएं। जो भी काम बहुत ज्यादा जरूरी है उन्हें पहले खत्म करें, और जो काम ज्यादा जरूरी नहीं है उन्हें आप बाद में भी खत्म कर सकते हैं। और दूसरी जो आदत है वो सारे लोगों के अंदर होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, और वह आदत है सुबह लेट उठने की आदत। जी हाँ, एक सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच में यह आदत एक बहुत बड़ा अंतर लेकर आती है। सफल लोगों के दिन की शुरुआत जल्दी होती है और इसलिए वह दुनिया के बाकी लोगों से काफी ज्यादा आगे होते हैं। जब आप टाइम से उठते हैं तो दिन के सारे काम आपके टाइम के साथ ही खत्म होते हैं और आपको कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं आता और आप पूरा दिन एनर्जी के साथ गुजारते हैं। जबकि जो लोग लेट उठते हैं उनके दिन के काम कम्प्लीट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो नेगेटिव फील करते हैं और वह काफी ज्यादा कमजोर भी महसूस करते हैं। तीसरी आदत पर हर इंसान को काम करना चाहिए और वह है कि समय के साथ अपने ज्ञान को ना बढ़ाने की आदत। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वह समय के साथ अपने आप को अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से वह दुनिया से काफी पीछे रहते हैं। यदि आपको जीवन में बहुत ज्यादा सफल होना है तो आपको हर दिन अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना होगा। अगली आदत बहुत सारे लोगों के अंदर होती है जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते, और वो आदत है गिव अप करने की आदत। आप लोग किसी भी काम को शुरू तो कर लेते हैं लेकिन थोड़े दिन के बाद ही आप गिव अप कर देते हैं, आप उस काम को छोड़ देते हैं और हार मान जाते हैं। जबकि एक सफल व्यक्ति का एटीट्यूड होता है नेवर गिव अप का। जी हाँ, वह कभी भी हार नहीं मानते। कभी भी किसी टास्क को, किसी काम को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया तो जब तक वो टास्क वो काम पूरा नहीं हो जाता वह कभी भी हार नहीं मानते। और 5वीं आदत जिसने बहुत सारे लोगों के जीवन को खराब किया है, जो आप पर्सनली भी फील कर पाएंगे, और वो है गलत लोगों से सलाह लेने की आदत। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या अपने जीवन के बारे में कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो हम लोगों से सलाह लेते हैं। सलाह लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपका सलाहकार कौन है। जैसे आप सभी को पता है कि रामायण में केकई की सलाहकार मंत्रा थी, और उन्हीं मंत्रा की सलाह पर केकई ने वह काम किए जो वह कभी भी खुद नहीं करना चाहती थी। और वही दूसरी ओर महाभारत में दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे, जिनकी गलत सलाह के कारण पूरी की पूरी महाभारत हुई। और कैसे एक सही सलाहकार आपका पूरा जीवन बदल सकता है, यह हमने सीखा अर्जुन और श्री कृष्ण के रिश्तों से। जी हाँ, अर्जुन के सलाहकार कृष्ण जी थे और उनकी सलाह की वजह से ही अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत पाए और दुनिया को एक संदेश दे पाए। तो इसलिए आपको भी अपने जीवन में हैबिट होना चाहिए एक सही सलाहकार चुनने की। तो यह थी वह 5 आदतें जो आपको अपने जीवन में आज ही बदल लेनी चाहिए। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।